press the bell icon so you never miss any video from The Idiotz. सन 2017 बादशाह अजमल खान और अज्जू एक रियासत पर हुकूमत किया करता था। लोगों को मारकर सेल्फी बनाना, ब्रेक डांस सीखना और नित नए कानून ईजाद करना उसके मशगले थे। एक मर्तबा बादशाह ने हुक्म दिया कि जो भी किले के साथ वाले मैदान से गुजरेगा उसको कोड़े मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे, किस लिए मारे जाएंगे, ये तो सिर्फ अलीम चाचा ही जानते हैं। भैया ये काहे कुड़वा मार रहे हैं? अरे भैया नए आए हो क्या? हाँ? देखो भैया हमरे को भी नहीं पता काहे मार रहे हैं, सब खाई रहे हैं, तुम भी खाई लो। लेकिन ऐसे कैसे खाई ले? ताई। ई पत्ते पिसवा के लगवा लेना, आराम आ जाएगा। देखो भैया हम उन लोगों में से ना ही हैं जो मुंह में घी जमाई के बैठे रहे हैं। हमका घी पिघला के पीना आता है और बहुत अच्छे तरीके से आता है। मतबल गांव वालों इधर आओ, गांव वालों। अरे का हो गया भैया, खैरियत तो है? का हो गया भैया, का हो गया बुड़वा, काहे चिल्लावत है? अरे चिल्लाना तो आप लोगों को चाहिए था, अभी नहीं काफी पहले। अरे तो हुआ क्या है, थोड़ा क्लियर तो बोलो। आई एम टॉकिंग अबाउट कुड़वा। अरे ये आखिर कब तक ऐसे ही चलत रहेगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों में से आज तक किसी ने आवाज काहे नहीं उठाई। भाया कई साल गुजर गए पर आज तक किसी ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। जानते भी हो बादशाह ये हुक्म काहे लगाए हैं? आपको मालूम है? हम कभी नहीं मालूम। अरे क्यों सस्पेंस व तोड़ के कॉमेडी करत हो? हम तो कहते हैं कल सुबह चलते हैं बादशाह जी के पास, बतियाते हैं कि हमको इससे बहुत दिक्कत होवत है। अरे हम बतियाएंगे, आप लोग बस साथ चलो, ठीक है? ठीक है चलो। ए भाया हमरा तो डर के मारे की बंद हो गया है, हम नहीं बात करेंगे भैया, तुम ही बात करना। बाकी सब लोगन तो भाग गए हो, शुक्र है तुम दोनों हमारे साथ हो। अजमल खान उर्फ अज्जू तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम किसके दरबार में खड़े हो। जी जाना तू। पर जो तुम नहीं जानते वो ये कि तुमसे 10 कदम दूर पर एक सिपाही नंगी तलवार लिए खड़ा है जो हमारे एक इशारे पर तुम्हारा सर तन से जुदा कर देगा। हुजूर वो जो आप कोड़वा का हुक्म जारी किए हो ना उससे हम लोगन को बहुत दिक्कत होवत है। वो काहे ना के हम लोगन उधर से रोज गुजरते हैं तो कोड़वा खाते खाते बहुत लंबी कतार लग जाती है और घरवाली इंतजार करते करते सो जाती है। तो अगर आप कोड़वा की सजा के लिए एक के बजाय 2 बंदे रख देते हो ना मारन वास्ते तो हम लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। है? मतलब कोड़े मारने से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग घर भी जल्दी चले जाएंगे और घरवाली भी जागी भी होगी। सिर्फ अफराद बढ़ा दें। जी जी। ठीक है, तुम्हारी फरियाद कबूल हुई, गेट लॉस्ट, हैव अ गुड डे। यो जियो बादशाह जियो। हुजूर शाहजहां की कॉल है। जनाब जैसा कि आपने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे तो हमने भी एक महल तामीर करवाया है, तो हम सोच रहे थे कि हम क्या कटवाएं क्योंकि सेम सेम ना हो जाए ना। हैं? पक्का?
तो भैया ये मिसाल बिल्कुल हमारी आज की सोच जैसी है। जैसे हम लोग पानी नहीं आता तो सोचते हैं टैंकर डलवा लेंगे, महंगाई हो जाए तो सोचते हैं उधार लेके गुजारा कर लेंगे, बिजली महंगी हो जाए तो सोचते हैं कुंडा लगा लेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय एडजस्ट करने की आदत जो हो गई है। ये थोड़ा एडजस्ट कर, थोड़ा एडजस्ट कर यार, मेरी तलवार रह गई थी भाई। वो ये बादशाह था ना। अबे हटा।